हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है दिल्ली की स्पेशल शाही टोस्ट की रेसिपी, जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम आज इसे बनाएंगे। इसके टेस्ट में हमने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, बिल्कुल दिल्ली के शाही की टोस्ट के जैसे इसका टेस्ट लगता है। तो इसमें हमने किसी भी तरीके का ड्राई फ्रूट्स यूज़ नहीं किया है आज, फिर भी देखिए देखने में कितना डिलीशियस दिख रहा है। तो चलिए हमारी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये थाल दिख रहा होगा आपको, ये सर्विंग प्लेट है। तो अगर आप चाहें तो थाल में बना सकते हैं, इसे सेट कर सकते हैं या फिर सर्विंग प्लेट पे, या इस तरीके का किसी आपके घर पे बड़ा बर्तन हो कि थोड़ा सा उसमें गैपिंग हो, या इस तरीके का डब्बा हो, तो आप किसी चीज़ में भी बना सकते हैं इसे। आज मैं इसे सर्विंग प्लेट पे बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में मुझे नहीं बनाना है। तो सबसे पहले ब्रेड्स रख के हम इसे सेट कर लेंगे कि कितने ब्रेड लगेंगे हमें। इस तरीके से मैं सेट कर रही हूँ, आप दिख रहा होगा आपको। होममेड ब्रेड यूज़ किया यहाँ पे मैंने, स्लाइसेस मेरे थोड़े मोटे पतले कट हो गए थे, तो इस तरीके से आप बराबर सेट करके जमा लें। चार ब्रेड यूज़ किया यहाँ पे मैंने। अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने घी ऐड किया हुआ है। यहाँ पे मैंने 5 TSP के करीब घी लिया है, क्योंकि इसे एक ट्रेडिशनल तरीका इसका ये है कि इसे घी में तला जाता है, लेकिन तलने पर बहुत ज़्यादा घी या ऑयल से अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर आप तलना चाहते हैं तो इसे तल कर या निकाल सकते हैं, या इस तरीके से हल्का घी लगाकर या ऑयल लगाकर इस तरीके से भी आप सेक सकते हैं, या फिर आप पहले ऑयल या घी ब्रेड पे लगा ले, उसके बाद आप इसे तवे या पैन पे रख कर सेक सकते हैं। घी का यूज़ करेंगे तो इसका टेस्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा आता है। तो अगर घी हो तो आप घी का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आप कोई भी तेल यूज़ कर रहे हैं वो अनफ्लेवर्ड हो। तो मैंने सारे अपने जो टोस्ट थे उसे रेडी करके निकाल लिया है तलकर। अब मैं एक पैन में शक्कर लूँगी, यहाँ मैंने 1/3 कप लिया है, मतलब 2 बार, तो इसकी क्वांटिटी 120 ग्राम के करीब है। अब मैं इसी में ऐड करके 2 कप मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चीनी लिया है, तो 2 कप पानी लिया, मतलब 120 ml मैंने वाटर लिया है। फ्यू ड्रॉप इलायची एसेंस लिया है, आप चाहें तो इलायची पाउडर का 1/2 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। एक तरह की चटनी हमको नहीं बनानी है, सिर्फ इतना बनाना है कि शुगर थोड़ी अच्छी तरीके से घुल जाए। तो 1 मिनट के बाद उसके बाद पकाकर हम इसे बंद कर देंगे। तो ये चटनी रेडी हो गई है, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है 500 ml दूध, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 TBSP कॉर्नफ्लोर। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं। और दूध जो भी आपने लिया है फुल फैट मिल्क होना चाहिए, या फिर आप उसे पकाकर थोड़ा क्वान्टिटी कम कर लें उसके बाद यूज़ करें। और 1/3 कप मैं मिल्क पाउडर ले रही हूँ। अब इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ताकि कोई लम्स ना रह जाए। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं है आपके पास तो आप अगर चाहें तो इसमें खोआ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो शुगर जो है वो पाउडर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल मैं अभी ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं जब इसे मैं गैस पर रखूँगी उसके बाद मैं ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने पाउडर शुगर का यूज़ नहीं किया है। तब इसे गैस का फ्लेम मैं ऑन कर लूँगी और इसे कंटिन्यू चलाते हुए मैं 10 मिनट तक पकाऊंगी। इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें, क्योंकि हमने कॉर्नफ्लोर और यहाँ पे मिल्क पाउडर यूज़ किया है तो नीचे बैठ ना जाए और गाढ़े ना पड़ जाए। तो हल्का इसे चलाते रहें कंटिन्यू। तो ये गाढ़ा होना चालू हो गया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/3 कप शुगर। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर देसी खांड का भी यूज़ कर सकते हैं, ये हेल्दी ऑप्शन है शुगर का। इसे पकाते हुए मुझे 8 मिनट हो चुके हैं। 8 मिनट में इस तरीके से ये चम्मच की तली में पीछे करके देखिएगा आप, और इस तरीके से ये बैठने लगा है, तो मतलब ये बैटर रेडी हो गया। क्योंकि ये ठंडा होगा तो भी ये बहुत अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाएगा। और हम इसे साइड में रख देती हूँ। अब चटनी को हल्का गर्म किया है मैंने, और जो मैं ब्रेड के पीसेस थे उसमें इसमें डीप करके मैं इसे निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने पहले से डीप करके चटनी में ब्रेड को रख लिया था। अब मैं इस बैटर को इसमें ऐड करूंगी। सभी को अच्छे तरीके से फैलाकर ऐड करें। अब इसे मैं 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रीज में रख दूंगी। अगर आप चाहें तो इसे बाहर भी रख सकते हैं। तो ये 2 घंटे के बाद मैंने निकाल लिया था इसे, ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गया है। तब इसे थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ रेड फूड कलर लिया है, बस हमें कुछ नहीं करना है, बस उंगली की सहायता से इसे छींटे मारना है हमें। आप किसी ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे इसका लुक बहुत अच्छा आता है। या फिर अगर आप ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर रहे हैं तो उस तरीके से भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर भी लिया है,
और उंगली की सहायता से मैं यहाँ पे छींटे मार रही हूँ कलर्स के, क्योंकि हमने ड्राई फ्रूट्स का यूज़ आज नहीं किया है, बिना ड्राई फ्रूट्स के इसे रेडी किया है। इस वजह से आज हम इसे डिफरेंट तरीके से डेकोरेट कर रहे हैं। अब मैं इसमें कुछ चांदी के वर्क लगा रही हूँ ताकि ये लुक वाइज अच्छा लगे। तो दिख रहा होगा हमारे साइड टोस्ट वो रेडी हो चुका है। तो इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें और आपके अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।